यवतमाल जिले के दिग्रज में इन दिनों श्री घंटी बाबा की 77वीं पुण्यतिथि पर आयोजित महोत्सव जारी है। इस औचित्य पर हाल ही में हास्य विनोदी कवि सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें देश के प्रसिद्ध कवियों ने हाजिरी लगाकर अपनी काव्य प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। दिग्रस नगरी में बीते शनिवार 15 अक्टूबर की रात 8 बजे आयोजित हास्य कवि सम्मेलन में बालाघाट मध्य प्रदेश से माधुरी किरण, मुंगेली छत्तीसगढ़ से देवेंद्र परिहार, दिग्रस से कपिल बोरंदिया, अकोला से कृष्ण कुमार, निजामाबाद के हास्य कवि मद्रासी, दिग्रस के उर्दू शायर सलीम चौहान ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस दौरान किसी शायर ने दिल का हाल सुनाया तो किसी हास्य कवि ने राजनीतिक तंज कसकर अपनी अनूठी प्रस्तुतियों से तालियां बटोरी। एक मतले से अपनी शुरुआत करता हूँ कि ये खंडर होके भी आबाद रखी जाती है, ये खंडर होके भी आबाद रखी जाती है, ये खंडर होके भी आबाद रखी जाती है। दिल हवेली में तेरी याद रखी जाती है, दिल हवेली में तेरी याद रखी जाती है, दिल हवेली में तेरी याद रखी जाती है। एक साधु बाबा मुझे भी मिले साहब जी, सन्यासी थे, साधु बाबा रास्ते में मिले, बोले बच्चा कांग्रेस का दफ्तर कहाँ है मुझे बताओ, मुझे तपस्या करनी है। मैंने कहा साधु बाबा आपको तपस्या करनी है तो आप हिमालय में जाइए, कांग्रेस के ऑफिस में जाके क्या करेंगे। वो बोले नहीं, इस समय जो एकांत, इस समय जो नीरवता, इस समय जो शांति कांग्रेस के दफ्तर में है वो और कहीं। हास्य कवि सम्मेलन के इस मंच पर कवियों ने देश प्रेम एकता की शान में भी एक से बढ़कर एक उम्दा रचनाएं पेश की, वहीं गुदगुदाने वाले चुटकुलों से दर्शकों को लोटपोट भी किया। इस दौरान माधुरी किरण ने अमीरी गरीबी के अंतर को मार्मिक ढंग से पेश कर दर्शकों से वाहवाही लूटी। भाभी जी, मैं जब भी कोई नई कविता लिखता हूँ तो सबसे पहली पत्नी को बताता हूँ, मुझे 500 रुपए देती है, कहती है प्लीज सुनाओ मत। महिला है आदरणीय बड़े भैया है विराजमान है, महिला बुद्धिमानी से काम लेती है। उससे अजीब सवाल किया, मैंने कहा ये बता कवि और पागल में क्या अंतर है। वो मुस्कुराई, बोले पागल सुधर भी सकता। अमीरी वक्त के साचे में ही ढलती है किरण, अमीरी वक्त के साचे में ही ढलती है किरण, अमीरी वक्त के साचे में ही ढलती है किरण, गरीबी वक्त को साचे में बहुत अच्छे है। इस कार्यक्रम में जहां हास्य कवियों ने एक से बढ़कर एक रचनाएं पेश कर समा बांधा, वहीं दिग्रस के मशहूर हास्य कवि कपिल बोरंदिया ने न सिर्फ अपनी रचनाओं से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया बल्कि कार्यक्रम का संचालन भी उन्होंने बेहतरीन अंदाज में संभालते हुए कार्यक्रम को जानदार बनाया। वो ईडी चोटी का जोर लगा रहे तो कहां पर कौन कितनी समस्याएं हल कर सकता है। हमारे बीच में माधुरी जी भी बैठी हुई है, बालाघाट से आई हुई है। बालाघाट ऐसा जिला है कि उसको खुद को ही नहीं पता वो महाराष्ट्र में है कि मध्य प्रदेश में है। उनकी भी स्थिति ठीक महाराष्ट्र के वोटरों की तरह है, जिनको यही नहीं पता कि शिवसेना है किसकी। ऐसी स्थितियों से गुजर करके तरह तरह की बातें होती रहती है, मगर समय की अपनी सीमा है, तब जाके मैं एक बार परिचय सब कवियों का आपको देना चाहता। गौरतलब है कि दिग्रस शहर में एक जमाने में कवि सम्मेलनों, मुशायरों की महफिलें सजाई जाती थी, लेकिन समय की आपाधापी और बदलते दौर में लोगों का इन कार्यक्रमों की ओर रुझान कम होता गया। ऐसे में श्री घंटी बाबा संस्थान के डॉक्टर प्रदीप मेहता तथा उनके सहयोगियों द्वारा आयोजित यह हास्य कवि सम्मेलन बेहद यादगार साबित हुआ। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।